भरे भरे झोरी मारे रे रसिया, आज भेदज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरझोरी रे रसिया। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे, जुग जुग जीवे ये जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ये होली चलेगी अपना रे, चल रही है ब्रज में, अभी से चल रही और महीनों पीछे तक चलती है, महीनों पीछे तक, आज वहाँ आज वहाँ आज वहाँ दंगल कुश्तियाँ और गाना ना रहे होली, ढपना गाड़ी बजेंगे डर। विश्व प्रसिद्ध होली, होली के दिन एक पंडा निकलते हैं उसमें से जलती हुई अग्नि में से बीच से नारायण जलती हुई, एक महीने से बैठी है व्रत पर, एक महीने से साधना में घर नहीं जाते, अन्न नहीं खाते, केवल दूध फला रहे नारायण, घर नहीं जाएंगे साधना में एक महीने बराबर। पूर्णमासी के दिन बड़ी पूजा पत्ति करके वहां प्रहलाद जी का कुंड है उसमें स्नान करेंगे और अंग पे केवल एक धोती पहने होंगे और जलती हुई अग्नि के बीच से निकलती है, रोम भी नहीं जलता ना है। सतयुग की घटना कलयुग में, फालेन गांव है मथुरा जिले में, छाता तहसील में फालेन नारायण। नारायण एक ब्राह्मण परिवार में, अब उनके बहुत घर हो गए हैं, पर उन घर में भी सब छोड़ छाड़ के 17-18 घर इस बात में रह गई है बस, केवल उनमें से किसी घर का कोई भी सदस्य अब तक एक ही निकलते थे, अब इस साल एक नया लड़का युवा वो तैयार हुआ है, तो बैठा हुआ है अभी तपस्या पे एक महीने के लिए नारायण। ये आज भी ये चमत्कार नारायण सतयुग के इस कलयुग में है। हाँ रोम नहीं जलता नारायण, कपड़े नहीं जलते बिल्कुल, और जलती हुई से निकलता है थोड़ी। और ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के ही नहीं, विदेशों के भी उसका उस समय आती है वहाँ उसका दर्शन, होली का दर्शन करने के लिए नारायण। बरसाने की लठ मार होली, नंदगांव की होली नारायण है, अरे बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर तक आते हैं देखने को नारायण, कुछ नंदगांव के कुछ बरसाने के वो उनके लिए, वो उनके लिए गाती है नारायण। महीनों से लाठियों में तेल पिलाई जाती है वहां, खुरियानी लाठी लेके और बड़े बड़े बढ़िया कपड़े सुंदर श्रृंगार करके वहाँ की बहु बेटियां नारायण और उधर पुरुष लठामार हो, हाँ कहीं भी लग जाए लठा, हाँ ढाल वो तलवार ढाल फाल लेके रहती है, बचाव करते हैं वहाँ, बेभाव लाठी बाजती है, बचिया तो बचिया लग जाए तो लग जाए नारायण। नारायण तो प्रहलाद जी को जलाने बैठी और वो होली जली गई और प्रहलाद जी सुरक्षित है, हिरण्यकश्यप भयभीत हुआ नारायण, अरे मेरी बहन भी गई या कहीं मुझे न ले बैठे, संडा मरकाए हिरण्यकश्यप को समझ आया छोटा बच्चा है डरो मत अभी बुद्धि खराब है। प्रहलाद जी की बुद्धि को कैसा कह रही है, खराब है। प्रहलाद जी को वही नहीं कह रहा है, अच्छी बुद्धि वालों को हम और आप भी बुरा कहती है कि इसकी बुद्धि खराब है और है खुद की खराब। अब बुद्धि को कहां कहां परखेंगे कौन की खराब है, परखने के लिए कोई कसौटी तो चाहिए, सोना काय पे परखते हैं, सुनार को पूछना न जानते हो तो कसौटी होती है उसके यहाँ काला पत्थर है, सुनार के यहाँ एक काला पत्थर होता है उसको कसौटी कहते हैं और उसी के खंभे लगे थे अयोध्या जी में कसौटी की राम मंदिर में, उसको तोड़ के फिर मस्जिद के कोने में लगे थे वो ढांचे में, हमने देखे दर्शन किए उनके, उन पर नरसिंह भगवान के और 12 भगवान के फोटो बने थे, जब वो ढांचा बना था तब दर्शन किए थे हमने, उसके बाद तो टूट गया है, तब एक बार रामलला के दर्शन कर आए एक दो बार, तो वो कसौटी के खंभे लगे थे कौन हो फैला, वो राजा विक्रमादित्य ने कल मैंने हमने सुनाई उन्हें विक्रमादित्य ने ही बनाया था वो मंदिर, कसौटी के खंभे लगाए मैंने 12-14 थे वो, कुछ तो अंग्रेजी ले गए यहाँ से गलेंड के लिए, कुछ इस ढांचे में लगे हुए थे नारायण। तो वो कसौटी के पत्थर पे ही सोने को कसती है, खराए के खोटाए, इसी प्रकार से हमारे विचार सही है के गलत हैं, ये काय पे कसे जाते हैं, शास्त्र की कसौटी पे, धर्म की कसौटी पे, कि धर्म के अनुकूल हैं कि धर्म के विपरीत हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं कि विपरीत हैं, तब पता चलता है कि हम सही है कि कौन सही है। अपने मन से कोई कहे कि मैं सही हूं नहीं हो सकता, और कोई दूसरा कहे सही को कि तुम गलत हो तो नहीं हो सकता, प्रमाण क्या है कैसे सही है कैसे गलत है नारायण,
तो प्रहलाद जी को कहते हैं इसकी बुद्धि खराब है, ये कुल का शत्रु है, कैसे सुधरे। संडा मर्क बोले इसकी बुद्धि सुधर जाएगी, अभी बच्चा है, हम ले जाएंगे, हमारे पिताजी आ जाएंगे, शुक्राचार्य बाहर गए हैं, वो सुधारेंगे, कुछ हम सुधारेंगे। अब बताओ निर्णय करो कि प्रहलाद जी की बुद्धि खराब है करना किस बुद्धि खराब है। पिता है, बड़ा बूढ़ा है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा वीर है, और प्रहलाद जी को कह रहा है तेरी बुद्धि खराब है, इसकी बुद्धि। और संडा मर्क भी कह रहे हैं, दोनों बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो भी प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि हाँ इसकी बुद्धि खराब है, सुधार लेंगे। इससे ये निश्चय होता है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा बूढ़ा हो, कितना भी अनुभवी हो, लेकिन धर्म की और भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही अलग है, इसको समझना कठिन है। अब बताओ अपन लोग सोच रहे हैं, समय बैठे हैं, ये बात पीछे की रही है कि प्रहलाद जी की बुद्धि खराब है कि हृणा कश्यप की खराब है। हृणा कश्यप भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो उनकी बुद्धि खराब है कि हृणा कश्यप की खराब है। और हृणा कश्यप का अर्थ क्या, ये भी बताएं उनको, स्पष्टीकरण करें। प्रहलाद का अर्थ है, प्रहलाद का अर्थ है अनन्य भाव से भगवान का भजन करे, और हृणा कश्यप का अर्थ है हिरण्य माने सोना, और कश्यप कहते हैं पलंग, जो सोने के पलंग पर सोता है, अर्थात संसार के भोगों में लिपटा हुआ है, संसार के भोगों को ही जो सर्वोपरि मान रहा है वो व्यक्ति है, और एक भजनानंदी है। तो बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भजनानंदी श्रेष्ठ है कि वो खाने पीने में मस्त हो रहा है, वो समझदार है ना नारायण। और ये दोनों पिता पुत्र है, पिता वयोवृद्ध है, बूढ़ा है, हजारों वर्षों का है, और ये 5 वर्ष की बच्ची है नारायण। अब कौन कह देगा कि 5 वर्ष के बच्चे की बुद्धि सही हो सकती है? सब बूढ़े का पक्ष लेंगे, हाँ बड़े बूढ़े अनुभवी ये कह रहे हैं वो सही है, ये बालक है क्या जाने। ऐसा होता है ना, घमंड होता है ना, ये भी है हम कोई बात में धूप में सफेद थोड़ी से भाई है, हमें धूप में सफेद ना भाई, घाम में हमने दुनिया देखी है, हमें अनुभव है। हाँ सबका अनुभव हो सकता है कि भगवान का अनुभव कठिन है, बिना पुण्यों की पूंजी के और बिना सत्संग के भगवान की महिमा समझ में नहीं आ सकती। हाँ भगवान के भजन की बात करे तो 5 वर्ष का बच्चा भी सही है, और भगवान से विमुख बात करे तो 1000 वर्ष का भी बेकार है ना। प्रहलाद जी नारायण, प्रहलाद जी बच गई है, होली चली गई है, संडा मर्क अपने विद्यालय में ले गई है, राजनीति अर्थ नीति उद्ध नीति कोट नीति सब पढ़ाती है इनको, लेकिन ये पढ़ाइयां इनको अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो सब भगवान का स्वरूप है, किसको लूटेंगे, किसको ठगेंगे, कौन पे अर्थ नीति चलावेंगे, कौन से युद्ध करेंगे, कौन मारेंगे, सब हमारे भगवान के स्वरूप है, ऐसी दृष्टि है उनकी, ऐसी निर्मल मति है उनकी नारायण। वो पढ़ाई उनके लिए सब बेकार है, लेकिन पढ़ लेती हैं, सुना देती है, बुद्धि थी बड़े। एक दिन विद्यार्थी को पढ़ाने वाले मास्टर दोनों चले गए अध्यापक इनके संडे और मर्क। सुना विद्यालय देख के इन्होंने सभी बालकों को अपने पास बुलाया और सभी से बोले भजन करो। बोले हम बच्ची हैं, हमारे खेलने खाने के दिन है, पढ़ने के दिन है, फिर संसार का विवाह करेंगे, सुख देखेंगे, फिर बुढ़ापे में देखेंगे, और हम तो असुर बालक हैं, हमारे लिए काय का भजन नारायण। ऐसी भी मान्यता करते हैं लोग भागना रहे कि हमारे लिए भजन नहीं है, वो तो उनके लिए नारायण। सच मानो वो मथुरा के राजा मिलता है ना रोड पर, राजा एक जाट परिवार था, हमारी शिष्या थी बुढ़िया, उसने एकादशी का उद्यापन किया, कथा करवाई नारायण, अच्छी पैसे वाली थी बीमार, बिल्कुल दुर्बल मरने योग्य नारायण। अब उसके परिवार वाले रिश्तेदारों को निमंत्रण किया उसने, वो भी आए, खीर मालपुआ बढ़िया दावत बनवाई उसने। क्या कहें उससे बुढ़िया से, अरे हम जाटों में खाएं उद्यापन, कौन गया एकादशी करता है, हम जाटों में, तुझे पागल बना दिया किसी ने, तूने पैसा खर्च कर दिया, तेरी छाती से निकल गए, ऐसा और कहें उन्हें। तो मुझे लगा कि भागवत की कथा से इनकी बात मेल खा रही है, जैसे असुर बालक कहती है हमारे लिए काहे भजन, हम तो असुर हैं।
अरे जिसके लिए भोजन जरूरी है उसके लिए भजन जरूरी है, वो कोई जाति हो, कोई कुल हो, कहीं के कोई भी रहता हो। भोजन है शरीर की खुराक और भजन है अपनी खुद की खुराक। खुद की खुराक भजन है और शरीर की खुराक भोजन है। भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा और भजन के बिना अपना भी काम नहीं बनेगा। कहती है कि गति करी आई, अग्नि में फूंकी आई, वो तो शरीर की गति हो गई, तुम्हारी गति नहीं हुई। जीव की गति तो तभी होगी, राम राम सत्य है, सत्य बोलो ही गति है, बिना सत्य के बोले के बिना नहीं ना, वो सबको बोलना पड़ेगा। अभी न बोलोगे अगले जन्म में बोलोगे, फिर तीसरे में बोलो, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा। जिससे अच्छा यही है कि अभी बोल लेना रहे, इसी जीवन में बोल ले। प्रहलाद जी बच्चों को शिक्षा दे रही है, कौमार माचर्य प्राज्ञो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिला है, लेकिन कैसा है, क्षण भंगुर पानी के बुलबुले के समान। बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, विवाहित मरे अविवाहित मरे, जिसकी जरूरत है वो मरे, न जाने कब मरना हो जाए। इसलिए संपत्ति को तो जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर देना चाहिए। कौन बोले? प्रहलाद जी। देखो भाई असुर कुमार, ये मेरी बात नहीं है। जब मैं माँ की गर्भ में था तब हमारे कुल के शत्रु इंद्र ने आके, मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे मंदराचल वन पर, वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने दुर्लभ वरदान मांगे थे। उनके पीछे इंद्र ने आके, हमारे तीन भाई थे बड़े, अनहेलाद हेलाद और सहलाद, वो तीनों मार दिए, और तीनों को मार के माता जी को अपने साथ इंद्र लेके चल दिए। मार्ग में मिल गए नारद जी। नारद जी ने पूछा, क्यों भाई इसको खयादू को कहाँ ले जा रहे हो? तो इंद्र ने बताया कि इसके तीन बेटे तो मैं मार आया और चौथा गर्भ में जन्म लेते उसको ही मार दूंगा, क्योंकि असुर थोड़ी देर में बड़े हो जाते हैं, फिर ये मरते नहीं है। तो एक हिरण्यकश्यप के मारे तो नाक में दम थी, और ये चार और हो जाते तो जीना मुश्किल हो जाता हमारा, इसलिए तीन मार दिए, चौथा गर्भ में जन्म लेते उसको भी मार दूंगा। तब नारद जी ने इंद्र को बताया कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है और तुम उसे मार नहीं पाओगे। तब तो इंद्र ने मेरी माँ की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के छोड़ के चले गए। नारद जी माता जी को अपने आश्रम में ले गए और वहां जाके उन्होंने मेरी माँ को ये आशीर्वाद दे दिया, काय का इच्छा प्रसव, जब चाहोगी तब बच्चे को जन्म दे लोगी, तब तक गर्भ में ही रखा रहेगा, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। योग बल से तप बल से नारद जी ने ये व्यवस्था कर दी। नारायण, नहीं तो गर्भ में रखे बारे जीव को भी कष्ट होता है और माँ को भी कष्ट होता है, लेकिन नारद जी ने कह दिया कष्ट नहीं होगा मेरे, मैं अपने तपस्या के बल से वही आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने मेरी माता जी को बड़ी बड़ी ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। माता जी भी सुनती रहीं और उनके गर्भ में मैं भी सुनता रहा। जब पिताजी आए माता जी को घर ले गए, उन्होंने मुझे जन्म दे दिया, वो सारी बातें भूली गई और मैं नहीं भूला हूं। अब देखो हमारे भारत की खो जाए ना, माता के गर्भ से ही बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। कोई समझ है कि जन्म के बाद नहीं, गर्भ से ही असर प्रभाव पड़ता है, उसके आचरण का, उसके खान पान का, व्यवहार का, सबका असर बच्चे पर आता है ना। ये हमारे अनुभव ने खोजें करी है। माँ गर्भवती हो उसके कमरे में भगवान के, राम कृष्ण के, हनुमान जी के फोटो टांगे जाए और नित्य उनका दर्शन करे है? और लड़ाई झगड़ा न करे, कठोर शब्द न बोले, पवित्रता से नहा के धो के रहे और बढ़िया गाय का दूध और घी और फलों का सेवन करे, मिर्च मसाले खटाई ज्यादा तीक्ष्ण ऐसी चीजें न खावे, तो उसकी संतान श्रेष्ठ और महान हो जाएगी। नारायण, क्योंकि पहला जी बता रही है मुझे मां के गर्भ में ही संस्कार मिल गए नारद जी के द्वारा। नर रामायण पढ़े, गीता भागवत पढ़े, पढ़ी लिखी नहीं है तो भगवान का नाम का जप करे, भगवान का ध्यान करे, बच्चे की सकल सूरत में सब में परिवर्तन आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा। नारायण, ये संस्कार है, हाँ बचपन से ही, गर्भ से ही बच्चों में पड़ जाती है। नारायण, तो पहला जी कह रही है माताजी ने मुझे जन्म दे दिया, वो तो सारी बातें भूल गई पर मैं अभी तक नहीं भूला हूं। इसलिए बालको, बुद्धिमान को बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन दुर्लभ है, ये बड़ी कठिनाई से मिला है और पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर ना समान है।
नारायण बच्चे सरल होते हैं नारायण है? मैं यहाँ के बच्चों को देखता हूँ उल्टी सीधी वो कुछ कांचे के साथ ही आ जाती है नारायण है? और जहाँ पूजा में सम्मिलित हो जाती है और बड़े बड़े कतर आ जाती है नारायण है? तो ये संस्कार है, हालांकि ये संस्कार कभी कभार मिलते हैं और दुनिया के संस्कार में तो रोजाना रहेंगे तो ये तो भूल भाल जाएंगे, लेकिन जैसे माहौल में रहेंगे उस रंग में रहेंगे नारायण। और इनको निरंतर ऐसा वातावरण मिलता रहे तो जीवन बन सकता है नारायण। क्यों? मत की गति गति भूति भलाई जब जय यहाँ जय पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेदन आनो पाव बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग मोह गई बिन राम जी पद वही न दृढ़ अनुराग। मैं सोचता हूँ ऐसे बच्चों की स्थिति अब ऐसी सदा बनी रहे तो ये धन्य हो जाएंगे नारायण। अब नाके आती है प्रणाम करती है नारायण है? छोटे छोटे बच्चे है? और बड़े बड़े किनारा काटती नारायण। अब ऐसे संस्कार अभी से पड़ जाए और ऐसे ये बढ़ते रहे तो कैसा जीवन बन जाएगा इनका। मैं चम्मा करता हूँ कि देखो कैसे साफी कांच कांच के आ रही है नारायण, पूजा में खड़े हो जाती है, बड़े बड़े किनारा कर रही है, वो आगे अड़ रही है नारायण है? ये संस्कार है ना बच्चों। और सब समझ गए कि महाराज के पास नहाके जा, नहाके नहीं आवेंगे तो दूर खड़े रहेंगे और पास आवेंगे तो नहाके ही आवेंगे नारायण, प्रणाम करेंगे आके। और ये ऐसी बात है सदा सदा के लिए बन जाए जीवन बदल जाएगा नारायण। और बचपन का रंग पक्का होता है ये भी बता देता, कच्चा बच्चे क्या है कच्ची मिट्टी, और कच्ची मिट्टी का किधर को मोड़ दो, लेकिन वही बर्तन जब पक जाती है फिर वो फूट जाएंगे पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता दादा। ऐसे परिपक्व अवस्था में परिवर्तन कम आती है और कच्ची उम्र में परिवर्तन, जो महान हुए हैं वो बचपन से ही हुए, जो महान हुए हैं अधिकांशता बचपन से ही हुए, ऐसे हैं कि बड़ी अवस्था में पक्व अवस्था पकी अवस्था में उनमें परिवर्तन आई है थोड़े बहुत नारायण, लेकिन अच्छा परिवर्तन तो कच्ची मिट्टी में ही आता है नारायण। बच्चे सरल होते हैं, जो जम जाए वो जम जाए नारायण, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उनके बच्चे समझकर उनकी अवहेलना करते हैं। ये क्या समझे, ये क्या जाने, वो जान सकती है, उन पे जो छाप पड़ जाएगी ना वो अमिट पड़ जाएगी। अब आपको मैं कौन की बताऊंगा, अपनी बता रहा हूँ कि हम लोग 5-6 साल से कथा सुनते थे ना, पिताजी जहां जाते हमें साथ ले जाते, तब की कथाएं याद बनी है अब तक। और जब से ढंग से पढ़ना नहीं आता था तब से हमको महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ने को मिले, बड़े भाई पढ़ते थे पुस्तकें कहीं से, एक थे सज्जन वो बड़े प्रेमी थे ग्रंथों के पढ़ने के, तो उनसे मांग लेते, वो पढ़ के घर पर रख देते और हम पढ़ लेते उनके पीछे, हालांकि कुछ तोड़ फोड़ भी कर देते किताबों में, छोटे बच्चे थे तो थोड़ी पीठ पूजा भी हो जाती नारायण कि तुमने किताबें फाड़ दी ये कर दी, बच्चे स्वभाव था, लेकिन तब की पढ़ी हुई बातें अब तक याद है, 6-7-8 साल के 10 साल तक की बातें अब तक याद बनी है नारायण। नारायण भगवान की कृपा होती है तब ऐसा वातावरण मिलता है नारायण। पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े प्रेमी थे रामायण के, रामायण पढ़वाते थे बड़े भाई से, और भी आ जाते अड़ोस पड़ोस के, मिलके बड़े बढ़िया गाते थे रामायण। हम भी मैं भी थोड़ा बोलता उनके साथ में तो मुझसे कहते हाँ चिड़िया की तरह चींचा रहा है नारायण, मुझे ध्यान है अभी तक वो पढ़ते मैं भी बोलता था साथ में, उनकी लय भी घट जाती, हम अलग चलते थे बच्चे थे नारायण, सही छोटा था नारायण। संत महात्मा भी आते, पिताजी बड़े प्रेमी थे संत महात्माओं के, हाँ खूब रोकते थे भूख लाते पिलाते उनको नारायण। तो कुछ भगवान की कृपा थी कि ऐसे भगवत प्रेमी संत प्रेमी पिताजी मिल गए और उनके द्वारा कुछ ग्रंथ अंत भी पढ़ने को मिल गए, कुछ भगवान की कृपा से ये सब वातावरण मिलता है नारायण। वही कृपा करके देते हैं, अचानक नहीं मिलता कुछ भी नारे, अनावश्यक नहीं। संत महात्माओं का तो आना बना ही रहता था, पिताजी का स्वभाव था रोक लिया उनको, रोको मारा सेवा कर ली नारायण। तुम्हारा श्री सुखदेव भी कहते हैं परीक्षित प्रहलाद जी बालकों को शिक्षा दे रही है, भगवान के भजन में सुर कुमारों कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि भगवान अपने हृदय में है, अपने ही है। भगवान को प्रसन्न करने के कोई बड़ा बूढ़ा होना, कोई ऊंचे कुल में होना, कोई पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ दान तप की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान तो कैसे प्रसन्न होते हैं केवल प्रेम से।
डर है। रामायण केवल प्रेम प्यारा जाने ले जो जानन हारा नारायण। कहो भगत पत कबन प्रयासा जोगन जप तप मख उपवासा। तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं इन्हीं लोगों की चौपाई है। कहो भगन भगत पथ कबन प्रयासा। प्रयासा माने क्या परिश्रम करना है, क्या कोशिश करनी है भगवान के भजन के लिए। न जोग न जप तप मख उपवासा। न जोग न जप न यज्ञ न व्रत किसी की आवश्यकता नहीं है। तो बोले राम है केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम करो, उनको प्रेम ही अच्छा लगता है और वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में तुम्हारी अपनी है। कोई तुम्हारा हो चाहे न हो भगवान तुम्हारे हैं, सबके अपने हैं, सबके अपने हैं, सबके पास हैं, सबके हृदय में, सबके रोम रोम में। जहां नौचो ना, जहां सुई चुभ हो, जहां कष्ट अनुभव होता है वहीं भगवान है। तो ऐसी कौन सी जगह कि जहां कष्ट चुभ होने पर, सुई चुभाने पर कष्ट अनुभव, ऐसी कौन सी जगह? कोई नहीं। तो रोम रोम में राम रमे है, जड़ जंगम में छाई, पत्थर में भी है, दीवार में भी है, वृक्षों में भी है, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्य के रोम रोम में राम रमे है, जड़ जंगम में छाई। कैसे? बोले तेल तिलों में, तिल में तेल दिखाई देता है क्या? पर है। गन्ने में चीनी गुड़ खाड़ दिखाई दे रही है, हैं? पर है। और माचिस में आग कहां दिखाई देती है? पर मालूम है ना कि खूब भरी है कि नहीं है कि नहीं। दूध में घी कहां दिखाई दे रहा है? पर मालूम है कि है कि नहीं। मेहंदी के हरा पत्ता में लालरी कहां दिखाई देती है? दिखाई देती है क्या? लेकिन मालूम है ना कि इसको पीसेंगे तो लालरी है। इसी प्रकार से प्रेम करेंगे तो भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। लालरी नहीं दिखाई देती मेहंदी के पत्ते में, तब तो अनुभवियों को मालूम तो है कि पीसने पर कूटने पर इसमें से लालिमा है। ऐसे ही भजन करने से भगवान प्रकट होते हैं। अगम अग अगज अगम सब रहित विरागी और प्रेमते प्रभु प्रकटे जिमे आगी। लकड़ियां घिसने पर या माचिस की तीली घिसने पर या लाइटर जलाने पर अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार से प्रेम करने पर, भक्ति करने पर, रोने गाने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रेमियों के लिए। नारायण प्याला जी की शिक्षा का बच्चों पर असर पड़ा और सभी कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। हिरण्यकश्यप आया, देखा कि विद्यालय है कि कीर्तनालय है। ये तो प्रहलाद तो बिगड़ा हुआ था ही, पर इसने पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया। ये सब शत्रु का नाम ले रही है। हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा ना, क्या कह रहे हैं प्याला जी को, तेरी ये तो बिगड़ा है पर इसने सबको बिगाड़ दिया। ये बड़ी अद्भुत बात है नारायण। इस संसार में भगवान के प्रेमियों को बिगड़ा कहती हैं और धर्मात्माओं को, परोपकारियों को भी बिगड़ा कहती हैं और देशभक्तों को भी बिगड़ा कहती है। इन तीन प्राणियों को हर समय सामान्य व्यक्ति बिगड़ा ही कहता है। किन किन को? भगवत भक्तों को और देशभक्तों को और परोपकारियों को। किसी के घर का कोई एक सदस्य, कोई बच्चा या कोई माँ या कोई बहन बेटी नारायण, किसी दीन दुखी को चुपचाप घर से ले जाके रोटी खिलाई जावे है, या त्योहार पे कोई बढ़िया घर में हुआ है किसी गरीब को खिलाया जावे, तो क्या कहेंगे? घर किसकी बुद्धि खराब हो गई, घर को जाड़ रही है ये है, और वो दूसरे पे दया करके उसकी सेवा कर रहा है, तो क्या कहेंगे वो उससे? इसकी बुद्धि खराब है, ये घर को उजाड़ रही है नारायण। और ऐसे ही जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकउल्लाह खां, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी नारायण, और अंग्रेजों के पीछे पड़ गए। तमाम लोग कहते हैं अरे ये अपने घर द्वार को नहीं देख रही है, अपने बाल बच्चों को नहीं देख रही है नारायण, बता इन पे ही ठेका है, ऐसे कहते थे उनको। लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र बैठे हुए। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे। इनको कहा कि मुसलमानों ने कि तुम वो बन जाओ मुसलमान, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये 16-17 साल के दोनों भाई थे, 15-16 के लाल हिमाचल प्रदेश में सरहिंद में इनको दीवाल में छिन दिया जिंदा, और चिंते चिंते ऊपर को ले गए और कहते गए कि अभी भी तुम्हें निकाल देंगे, अभी भी तुम्हें बचा देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ।
लेकिन पूरा डुबा दिया उनको दीवार में, जिंदे छिन दिया, पर उन्होंने धर्म का परिवर्तन नहीं किया। जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी, बड़े वीर थे। नारायण नारायण तो ये देशभक्त, अब कोई क्या कहेगा उनको, पागल हैं, माफी मांगे ना, क्या बात है, जान तो बच जाएगी। लेकिन उस समय जान बच जाती तो आज उनको कौन पूछता, आज व्यास गद्दी से उनका नाम ले रही है। और बड़े बड़े संत महात्मा जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके बलिदान को देखे आंखों से आंसू टपकती है नानुआ, कि कैसे फौलाद के होंगे भी बच्चे नारायण है। उन्होंने टसते मस नहीं हुए, बोले तुम चिंदो, हम हिंदू रहेंगे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। नारायण नारायण ऐसे ही एक हकीकत राय नाम का लड़का था, कहा लाहौर में, या पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, पढ़ता था विद्यालय में। किसी ने हमारे हिंदू देवी देवताओं को, किसी लड़के ने, वहां के मुसलमान बच्चे ने गालियां दे दी, तो हकीकत राय इतना बोला केवल कि जैसा तुम हमारे भगवान के लिए कह रहे हो ऐसा हम तुम्हारे खुदा के लिए कह दें तो बस, कहा नहीं उसने, कह दें तो बस, इसी बात की शिकायत काजी पे हो गई और मृत्यु दंड दे दिया उसको। क्या दे दिया? मृत्यु दंड। अब तमाम लोगों ने समझाया बुझाया तो ये कहा कि ये